सिंगरौली में कोल ब्लॉक बंधा की पुनर्वास नीति के दावा आपत्ति को लेकर विस्थापित कलेक्टर से मिलने पहुंचे विस्थापितों का कहना है कि जन सुनवाई का आयोजन ग्रामीणों की समस्या के निदान के बाद ही किया जाए, इसके साथ ही विस्थापितों की समस्या का निदान तुरंत किया जाए। सिंगरौली में कोल ब्लॉक बंधा की पुनर्वास नीति के दावा आपत्ति के लिए बैठक किस को होगी, जिसको लेकर विस्थापित कलेक्ट्रेट पहुंचे। विस्थापित नेता देवेंद्र पाठक का कहना है कि कोल ब्लॉक बंधा ग्राम बंधा पचौर देवरी पेड़रवाह तेंदुहा कुल 5 गांव के प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी 21 दिसंबर को पंचायत भवन बंधा में बैठक है। इससे पूर्व EMIL कंपनी के द्वारा पुनर्वास प्लान को जोड़ने का वचन दिया था, जिसे नहीं जोड़ा गया है। पुनर्वास प्लान को जोड़ने के बाद ही जन सुनवाई हो। 23 तारीख को परसों हम लोगों का जन सुनवाई के लिए सूचना मिली है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समिति की, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। अभी जनता को कुछ बताया नहीं गया है, जनता को जो कंपनी और प्रशासन द्वारा लिख करके आश्वस्त किया गया था वो उस अपने प्रोजेक्ट में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए हम लोगों का ये सब सामूहिक रूप से 800 लोग कल हम लोग बैठ कर निर्णय लिए हैं कि जब तक इन मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग जन सुनवाई का बहिष्कार करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।